हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम फिर से हॉरर एनिमेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सच में बहुत ही क्रीपी एंड वियर्ड है, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, हॉरर एनिमे बोले तो सबकी फटती है, सामने से ना दिखाए पर फटती है। तो इन सभी एनिमेज में हमारा नंबर 5 है शिकी। यह एनिमे हॉरर एनिमे के साथ ही मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा पड़ा है। इस एनिमे के 22 एपिसोड्स है और साथ ही में 2 स्पेशल एपिसोड्स भी है। यह एक विलेज में की स्टोरी है, सोताबा, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर विलेज है। वहाँ सर्टनली डेथ होना शुरू हो जाती है तब जब एक स्ट्रेंज फैमिली वहाँ के एक अबैंडन मेंशन में रहने आती है। शिमुजी मागुमी, जो कि इस विलेज लाइफ से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो सिटी लाइफ को अपनाना चाहती है, सिटी में जाना चाहती है, तो वो इस फैमिली को विजिट करने जाती है, पर वो जल्दी से लौट के नहीं आती तो सभी उसे ढूंढने जाते हैं। तो वो वहाँ के फॉरेस्ट में मिलती है और वो ट्रेजिकली तो मर ही चुकी है। वहाँ के डॉक्टर तोशियो ओजुकी, जो कि डायरेक्टर है सोताबाज ओनली हॉस्पिटल के, वो ये सस्पेक्ट करते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है वैसे डेथ भी होती रहती है, और वो फिर कन्विंस होते हैं कि ये शिकी का अटैक है, जो कि मॉडर्न वेम्पायर्स लाइक क्रिएचर होते हैं, जो कि विलेज की हो रही इन डेथ्स का कारण है। शिकी की जो आँखें है वो सच में बहुत ही क्रीपी है। अगर ये एनिमे आप देखें तो बेड के नीचे बिल्कुल भी मत देखना। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी इस विलेज से बहुत ही नफरत करता है और वो भी सिटी में जाना चाहता है, पर इन सभी के कारण वो भी इन डेथ से सराउंडेड होता है। नंबर 4 पर है घोस्ट हंट। इस एनिमे के 25 एपिसोड है। ये एनिमे घोस्ट हंटिंग एडवेंचर है मेया तानायामा की, जो कि एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद घोस्ट स्टोरी शेयर करती है। तब भी काजुया शिबुया, जो कि शिबुया साइकिक रिसर्च का मैनेजर होता है, उनसे मिलता है। आगे मे की वजह से एक्सीडेंटली काजुया का जो असिस्टेंट है वो जख्मी होता है, और एज अ सब्स्टिट्यूट असिस्टेंट काजुया मे को काम पे बुलाता है। मे इसमें फिर पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में और घोस्ट हंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखती भी है। घोस्ट हंट में आपको बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, साथ ही में उसके वर्ल्ड के बारे में और वो किस तरह से घोस्ट हंटिंग करते हैं, ये सब देखने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और मज़ा भी आएगा। तो नंबर 3 पर है पैरासाइट्स। ये एनिमे अब तक के वियर्ड एनिमे से एक है। इस एनिमे को हम बॉडी हॉरर का किंग भी कह सकते हैं। साथ ही में इसमें थ्रिलर, साइंस फिक्शन और सच में बहुत ही भयानक एनिमे है, जो कि आपकी रातों की नींद सच में उड़ा देगा। तो इस एनिमे में 17 साल का स्टूडेंट शिनिची इजुमी इस पर है। तो एक वर्म लाइक क्रीचर्स ह्यूमन पर अटैक करते हैं और उनके ब्रेन पर काबू कर लेते हैं, जिससे कि वो एक ऐसे क्रिएचर्स में बदल जाते हैं जो कि इंसानों को एज अ फूड समझकर खा लेते हैं। ऐसा ही एक वर्म शिनिची पर भी अटैक करता है, पर उसके ब्रेन पर काबू करने में फेल हो जाता है। वो उसे अपने राइट हैंड में ही रोक लेता है, पर इसकी वजह से शिनिची को अपने राइट हैंड में कुछ पावर ही मिल जाती है। उस राइट हैंड का नाम है मिगी। वो सभी पैरासाइट से अलग होता है। उसकी वजह से शिनिची को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी मिलती है। वो शिनिची को दूसरे पैरासाइट्स को रोकने में, जो कि इंसानों को फूड समझ के खाते हैं और शिनिची पे और भी अटैक करते हैं, उनसे बचाता है। मिगी और शिनिची का जो बॉन्डिंग है इसमें बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो साथ में सर्वाइव भी करते हैं। यह एनिमे आपको सच में बहुत ही थ्रिल और किक भी देगा। नेक्स्ट नंबर 2 पर है द प्रॉमिस नेवरलैंड। ये डार्क फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एनिमे है। इस एनिमे के 12 एपिसोड से। तो एमा, जो इसकी मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, वो ग्रेस फील्ड हाउस में अदर 37 ऑर्फन्स के साथ रहती है। वहाँ उन सभी को बहुत सी फ्रीडम है, उन्हें सब कुछ मिलता है, सिवाय इसके कि वो गेट के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में। तो वन नाइट ऐसा होता है कि उनमें से एक ऑर्फन कोनी उसे अडॉप्ट करते हैं, पर कोनी अपना टेडी वही भूल जाती है, तो एमा एंड नॉर्मन उसे वो देने के लिए गेट के पास जाते हैं। गेट पर जाने पर उन्हें कोनी वहाँ पर डेड मिलती है। तब उन्हें उनके एग्जिस्टेंस का ट्रूथ पता चलता है। वो उन्हें बड़ा करके हायर मिड प्राइस पर बेचते हैं,
वो भी डीमंस को। अब ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उन्हें डीमंस को बेचते हैं। जब ये एमा एंड नॉर्मन को पता चलता है, तब वो ग्रेसफील्ड हाउस को ब्रेकआउट कर वहाँ से कैसे निकले, वो भी सभी उनके भाइयों को लेकर या फिर ऑर्फन्स को लेकर वो वहाँ से कैसे भागे, ये सभी देखने में थ्रिल और साथ ही में बहुत ही डरावनी फीलिंग आपको आएंगी। तो नेक्स्ट नंबर वन पर है मॉन्स्टर। यह एनिमे के 74 एपिसोड से यह एनिमे जो है वो क्राइम, मर्डर मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिल इन सभी में आता है। डॉक्टर केंजो तेनामा, ब्रेन सर्जन, जो कि अपने जॉब एंड रेपुटेशन खतरे में डालकर एक यंग बॉय को बचाते हैं, पर ऑपरेशन के बाद से बहुत से मर्डर होने लगते हैं एंड प्राइमरी सस्पेक्ट एज डॉक्टर तेनेमा को पकड़ते हैं, पर बिना किसी एविडेंस के। पर तब भी मर्डर होते रहते हैं, तो डॉक्टर तेनेमा अपनी सर्जन की लाइफ पीछे छोड़कर ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस यंग बॉय को उन्होंने बचाया था, उसकी ये मिस्ट्री वो सॉल्व करना चाहते हैं। इस एनिमे में ना आपको कुछ सुपरनेचुरल थिंग्स ना कि वॉयलेंट डेड देखेंगे, तब भी ह्यूमन बींग किस हद तक जा सकता है वो सभी विजुअलाइजेशन आपको इस एनिमे में देखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हॉरर एनिमेज देखने हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैं कहूँगा आपको बहुत ही थ्रिल, एक्शन और रातों की नींद सब मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली रोमांस भरी वीडियोस में। फिर क्या बोलता गरज आज हुएला मरत को बाइकों की गरज मेरे को खाई को ने गरज में अकेला बरस में सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरसेगा।